हम इस वक्त दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर हैं। पास है सर, ये देखिए गुड़गांव पुलिस का ही मूवमेंट पास है। आपके पास साइकिल से जा रहे थे? साइकिल से जा रहे थे सर, नहीं जाने दे रहे सर। पास हरियाणा का बढ़िया पास बना हुआ है, फिर भी हमें नहीं जाने दिया जा रहा है। सर ये कौन सा नियम है सर? बाइक वाले के लिए, चार चक्के वाले के लिए बॉर्डर सील नहीं है, और पैदल यात्री के लिए और साइकिल वाले के लिए? ये सिर्फ मजदूर के मारने के ही मतलब आदेश है क्या गवर्नमेंट का सर? ये बात करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की। अभी कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग है बताओ? यहाँ पे सारी जगह भीड़ है, लोग इन्फेक्टेड हो रहे होंगे यहाँ पे। इन लोगों क्या मतलब मजा आता है ऐसे करने से? जो गरीब लोग हैं बेचारे, वो काम नहीं कर पा रहे, उनको सैलरी नहीं मिल रही है। अभी किसी भी पुलिस वाले का भाई या नौकरी कर रहा होगा भाई साहब, वो VIP के तरीके से निकाल देंगे, लेकिन एक आम आदमी के लिए कोई समस्या ही है सर? नमस्कार, मैं रविश कुमार, आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। जिस दिल्ली से पूरे देश भर में तालाबंदी की गई, उस दिल्ली को हरियाणा ने ताले में बंद कर दिया है। जो दिल्ली से और हरियाणा की जो सीमाएं हैं, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, या बहादुरगढ़ है, या सोनीपत है, आज उन जगहों पर बेतहाशा जाम लगा हुआ था, क्योंकि हरियाणा ने फैसला किया कि दिल्ली से आने जाने का जो रास्ता है, जो नाता है, अब वो कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। दिल्ली में 2 दिनों तक लगातार 1000 या उससे अधिक मामले आए हैं, ये एक नया रिकॉर्ड है। दिल्ली में 17000 से ज़्यादा मामले आ गए हैं, लेकिन ये मानसिकता वही है कि तबलीग के कारण संक्रमण फैल गया है। अब आप इन फैसलों में यही पता चल रहा है कि जैसे दिल्ली के कारण संक्रमण फैल रहा हो, तो कम से कम दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ानों को उतरने ही नहीं देना चाहिए था, फिर जहां से ये बीमारियां चलकर आई थी। तो ये एक समस्या है, और लोग आज किस तरह से परेशान रहे हैं, आज गुरुग्राम के बॉर्डर पर पहुंचकर आप वो हाल तो आपने कुछ देखा ही, थोड़ा और हम आपको लोगों की बात सुनाना चाहते हैं। जबकि हमारे पास पास है सर, हरियाणा सरकार द्वारा वैलिड साइकिल से आपके पास? नहीं सर, पैदल है। पैदल थे, पैदल जाने नहीं दे रहे, नहीं जाने दे रहे सर, वही तो रेगुलर। जबकि हम जाते क्या कह रहे हैं लोग, कोई कारण ही नहीं बता रहे सर। सर कार्ड मेरे पास है। अच्छा, आपके पास मूवमेंट पास भी है, तब भी नहीं जाने दे रहे? नहीं जाने दे रहे सर। ये देखिए गुड़गांव पुलिस का ही मूवमेंट पास है। आपके पास साइकिल से जा रहे थे? साइकिल से जा रहे थे सर, नहीं जाने दे रहे सर। हरियाणा का बढ़िया पास बना हुआ है, फिर भी हमें नहीं जाने दिया जा रहा है। निरका से आ रहा हूँ, 18 किलोमीटर है, जहाँ उद्योग विहार फेज 5 में काम करता हूँ। अब इधर जाने नहीं दे रहे। क्या बोल रहे हैं? कह रहे दिल्ली वाले को जाने नहीं है, ऑल आउट। सिर्फ मजदूर के मारने के ही मतलब आदेश है क्या गवर्नमेंट का सर? आपको लग रहा है गरीबों को मारने का? बैंक वालों को खोला है, हमारे पास बैंक के पास है, हमको जाने नहीं दे रहा है। सर पैदल जा रहे थे सर। पैदल जा रहे थे? पैदल जा रहे। कहाँ काम करते हैं आप? हम लोग उद्योग विहार में काम करते हैं, गुड़गांव में। कितना किलोमीटर पैदल चल के आ रही है दीदी आप? हम लोग 4 किलोमीटर हो गया। अच्छा, नहीं जाने दे रहे आगे? नहीं जाने दे रहे। और हमारे साथ बात करने के लिए हमारे बहादुर सहयोगी सौरभ शुक्ला हैं। अच्छी बात यह है कि आप सावधानी बरत रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आप और दूरी और सावधानी बरतें। सौरभ, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये क्या कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है? मुझे तालमेल की तो कमी नज़र आ रही है, मगर घालमेल की कमी नज़र नहीं आ रही है। मैं यही समझना चाह रहा हूँ कि यहाँ दिल्ली के आसपास हो रहा है, तो क्या ये 2 मुख्यमंत्रियों के बीच बातचीत नहीं होती? कोई तरीका नहीं निकाला जाता कि अचानक आप जहाँ पर हैं गुरुग्राम में, वहाँ पर हज़ारों की संख्या में गाड़ियाँ लग गईं। मुझे पता नहीं अब वहाँ क्या स्थिति है, लेकिन आपकी तस्वीरें बता रही हैं कि इस गर्मी में, अभी तो मौसम अच्छा हो गया, लोगों को किस यातना से गुजरना पड़ा होगा। बिल्कुल रवीश, अभी तो बारिश की वजह से क्या हुआ है कि अभी तो पुलिस वाले थे, लेकिन बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, पुलिस वाले यहाँ से हट गए हैं, तो अभी गाड़ियाँ फिलहाल आ जा पा रही हैं, आ रही हैं और जा भी रही हैं। जैसे बारिश बंद होगी वापस पुलिस वाले आ जाएंगे, बैरिकेड लगा देंगे, तो फिलहाल बारिश ने कुछ राहत दे दी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि रवीश, सिर्फ गुड़गांव नहीं, नोएडा ने भी अपना बॉर्डर सील कर रखा है और गाज़ियाबाद ने भी अपना बॉर्डर सील कर रखा है, यानी दिल्ली से के आसपास जितने भी राज्य हैं, UP और हरियाणा, इन्होंने पूरी तरीके से अपना बॉर्डर सील कर दिया है। लगभग 1000 से ज़्यादा केसेज आए हैं और इन लोगों को लगता है कि दिल्ली में केसेज ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो लोग जो अगर आएंगे जाएंगे तो इनके राज्यों में भी केसेस पहुंच जाएंगे। तो कल अनिल विज गृहमंत्री हैं, उन्होंने आदेश दिया सुबह, रवीश हम सुबह यहां पर लगभग 8 बजे के करीब पहुंचे थे,
सबसे पहले यहाँ पैदल जाने वाले, साइकिल से जाने वालों को रोक दिया गया, कुछ को तो लाठी मारी गई। और रवीश, वो ये वही लोग हैं जो कि इस लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। सब किसी की 5,000 सैलरी है, तो कोई कोई बैंक में गार्ड है, तो कोई प्यून की नौकरी करता है, इनके पास मोटरसाइकिल खरीदने तक पैसे नहीं, इसलिए पैदल जा रहे हैं, उनको रोक दिया गया। तो जब उन्होंने मीडिया में खबर चलाई तो उसके बाद लगभग 11 बजे करीब पूरा बॉर्डर सील कर दिया गया, कई किलोमीटर लंबी लाइन लग गई, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। तो आप समझिए कि जिस कोरोना से बचने के लिए ये लॉकडाउन किया जा रहा है, लोगों की देह की दूरी बनाने के लिए, उसी की धज्जियां उड़ती रहीं। तो समझ लीजिए, आज रवीश हमारी बात हुई आम आदमी पार्टी सरकार से भी दिल्ली में, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कोई बात नहीं की अरविंद केजरीवाल से, ना ही योगी आदित्यनाथ ने। तो फिलहाल दिल्ली वालों को ये तरीके से संदेश ये है कि दिल्ली में कोरोना के केस ज़्यादा हैं और दिल्ली से ये केस हरियाणा यूपी पहुंच सकते हैं, और यही वजह है कि अब बॉर्डर सील कर दिया गया है। और रवीश आपको बताएं, हमें यहां तक ऐसे लोग मिले, नर्सों को नहीं जाने दिया गया, डॉक्टर्स को नहीं जाने दिया गया, तो समझिए कि स्थिति कितनी विकराल रही होगी। तो फिलहाल बारिश ने थोड़ा सा राहत दे दी है लोगों को, पुलिस वाले किनारे हो गए हैं और यहाँ जाम लगभग शाम 4 बजे तक लगा हुआ था। सौरभ, मैं ये कितने दिन भर परेशानी उठानी पड़ी होगी। सौरभ जी, सर मेरा सवाल ये है कि हरियाणा से दिल्ली आने के लिए क्या कोई पास मांगा जा रहा है, या दिल्ली से हरियाणा जाने के लिए किसी को फरीदाबाद जाना हो, गुरुग्राम जाना हो या सोनीपत जाना हो, तो क्या पास बनवा कर जाना पड़ेगा, व्यवस्था क्या है? जी बिल्कुल, व्यवस्था यही है कि एसेंशियल सर्विसेज को अलाउ किया था। लगभग 20-15 दिन पहले यहाँ पर सब कुछ बंद था, पूरा बॉर्डर सील था, तो हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी दिल्ली हाईकोर्ट ने, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद एसेंशियल सर्विसेज, डॉक्टर्स, नर्सेज को अलाउ कर दिया गया था जाने के लिए। बाकी लोगों को अपना ई पास बनवाना होता है। समझिए कि अगर किसी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो ई पास तुरंत नहीं बनता, ऑनलाइन उसको अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद आपको बार बार हेल्पलाइन में फ़ोन करना होता है, फ़ोन नहीं लगता है। और समझिए कि सारे ऑफिसेज खुल गए हैं रवीश गुड़गांव में, तो ये कितने पास बना कर देंगे आप? समझिए नोएडा में, समझिए सैमसंग है, सारी मोबाइल कंपनियां वहां पर फैक्ट्रीज खुल गई हैं, नोएडा में आईटी हब कहा जाता है, ऑफिसर्स खुल गए हैं, तो लोग कितने पास बना कर देंगे? लोगों के पास आज पास भी थे रवीश, हमने उनसे बात की, अपने पास दिखा रहे हैं, तब भी उनको जाने नहीं दिया गया। तो आधिकारिक तौर पर तो पास वाले जा सकते हैं, पर ज़मीन पर वो नियम लागू नहीं हो रहा है, पास वालों को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। तब तापमान दोपहर में 40 से 45 डिग्री करीब था, लोग घंटों यहाँ पर खड़े रहे, खासकर साइकिल और पैदल जाने वाले मजदूर तबके के लोग। तो फिलहाल आधिकारिक तौर पर तो जिनके पास हैं वो जा सकते हैं, एसेंशियल सर्विसेज वालों को नहीं रोका जाएगा, लेकिन ज़मीन पर सब कुछ पुलिस वालों पर निर्भर करता है, पुलिस वाले चाहें तो निकाल दें, पुलिस वाले चाहें तो रोक दें। ये रवीश जी, ये भयावह स्थिति है कि दिल्ली के लोग देख लें, अगर मिडिल क्लास को लग रहा था कि मजदूरों के मामले में जो अव्यवस्था है उनसे किसी दूर देश के नागरिकों के साथ हो रहा है, लेकिन वही व्यवस्था का रूप मिडिल क्लास को भी झेलना पड़ रहा है कि जब वो अपनी गाड़ियों में बैठकर आ रहा है, अपनी मोटरसाइकिल में बैठकर आ रहा है, तो उसके रास्ते अचानक बंद हुए मिलते हैं। तो ये बात समझने की है कि आखिर 24 मार्च की तालाबंदी के बाद क्या हमने ऐसा कोई कमांड स्ट्रक्चर बनाया जिससे इन सारी चीज़ों को दूर किया जा सके, इस तरह के फैसले लेने से पहले बात विमर्श हो सके। लगता नहीं कि हम टीम इंडिया की तरह इस बीमारी से मुकाबला कर रहे हैं, इस तरह से हम इस तरह से लोगों का समय बर्बाद कर रहे हैं। जो भीड़ है इसमें किसी की इमरजेंसी होगी, बड़ी संख्या में लोग दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम से दिल्ली के अस्पतालों में आते हैं, उनकी क्या हालत हो गई होगी? मतलब अब आप देखिए कि 24 मार्च से हम 29 मई तक पहुंच आए हैं, मई का महीना ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन व्यवस्थाएं इस तरह से विकराल होती जा रही हैं। यही नहीं, हम इस ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये क्यों विकराल, हम आपको बता देना चाहते हैं कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से कोई 12 करोड़ 20 लाख लोगों ने जब अप्रैल के महीने में अपना रोज़गार गंवाया है, और उनमें से 2 करोड़ लोगों की वापसी हुई जब तालाबंदी में कुछ ढिलाई हुई, तो ये वो लोग हैं जिनकी सैलरियां आधी कर दी गई हैं, 30% कम कर दी गई हैं। हमारे अखबारों में तो ब्यूरो बंद हो गए, पत्रकार निकाल दिए गए नौकरियों से, ये समस्या है। और आप अब देखें कि महेश व्यास से जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनमें बिजनेसमैन हैं, और 1 करोड़ 80 लाख लोग ऐसे हैं जो सैलरीड क्लास थे, जो सैलरी पे नौकरी करते थे, उनकी नौकरी गई है। तो एक भयानक मायूसी का वातावरण है, उसमें अगर व्यवस्था इतना लचर प्रदर्शन करे तो फिर क्या किया जाए? इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि बहुत सारे हमारे दर्शक जो हैं वो लगातार महीनों से वीडियो शूट करके भेजते हैं, हमने देखा कि आप हमारे बहुत ज़रूरी संसाधन हैं,
मगर आपके रिकॉर्ड करने के तरीके में कुछ कमियां आ जाती हैं जिसकी वजह से हम पूरा वीडियो इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमने आप दर्शकों के लिए एक वीडियो बनाया है ताकि आप समझ सकें कि किस तरह से हमें भेजने से पहले रिकॉर्डिंग करनी है, और इसी तरह की आदत आप डाल लीजिए और इसी तरह की रिकॉर्डिंग कीजिए। ये वीडियो देखिए। आपके मोबाइल वीडियो हमको रोज मिलते हैं, लेकिन उनमें से कई वीडियो अहम होने के बाद भी हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उनको सही ढंग से शूट नहीं किया गया होता है। अगर आप अपने मोबाइल को इस तरह से रखते हैं तो जो वीडियो बनता है वो इस तरह का दिखता है, लेकिन अगर आप अपने मोबाइल को इस तरह से रखकर शूट करेंगे, यानी लैंडस्केप मोड में रखकर शूट करेंगे, तो वीडियो इस तरह से बनेगा। स्क्रीन भरी हुई दिखेगी आपके वीडियो से, तो सही खबर को सही तरीके से शूट करें। तो ये तरीका याद रखिएगा, जब भी कहीं कुछ लगे कि रिकॉर्ड करना है और हम तक भेजना है तो मोबाइल फोन को इस तरह से रिकॉर्ड करना है रख के, ऐसे आप करके कभी भी रिकॉर्ड ना करें, और कर लें तो मुझे बिल्कुल ना भेजें क्योंकि ये हम तकनीकी तौर पर ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। आपको हम ये भी सूचना देना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अजीत जोगी, उनका निधन हो गया। लंबे समय तक राजनीतिक क्षेत्र में रहे हैं, आईपीएस थे, आईएएस थे, जुझारू व्यक्ति थे। दुर्घटना के बाद उन्होंने कमाल की जिजीविषा दिखाई और किसी तरीके से उन्होंने हर चुनौतियों से लड़ते हुए अपने आप को चलने फिरने के लायक बनाया। उसके बाद भी वो राजनीति करते रहे तो बड़े ही सशक्त, शारीरिक रूप से तमाम तरह की अक्षमताओं के शिकार होने के बावजूद भी एक सशक्त जिजीविषा का प्रदर्शन उन्होंने किया। उनका निधन हो गया है। आगे की जो सूचना वो ये है कि जीडीपी 2019-20 की जो भारत की है वो 4.2 और जो 11 साल में सबसे कम है, और जनवरी से मार्च महीने की जो 3 महीने की जो जीडीपी है 2020 की 3.1 है। हम आपको बता दें कि आप जानते हैं कि करोड़ों की संख्या में लघु एवं मध्यम उद्योग हैं, इनमें से 60% से ज़्यादा ऐसी कंपनियाँ हैं जो सैलरी में कटौती करने जा रही हैं, और बड़े 6% कंपनियों ने 100% लोगों को निकाल दिया है। तो ये तबाही इस वक्त हम सब पर आई हुई है। हम समझते हैं कि इसका असर ये हुआ होगा कि अगर आप 10 करोड़ जैसा कि महेश व्यास कहते हैं तो अगर आप 4 से भी गुना कर लें तो 40 करोड़ 50 करोड़ लोगों के परिवारों के बीच इस वक्त नौकरी नहीं है। वो कितने परेशान हैं हम नहीं समझ पाते। दिल्ली से ही जब बड़ी संख्या में छात्र हमें लिखते हैं कि हम किराया नहीं दे पा रहे हैं, मकान मालिक किराया मांग रहा है, तो शायद बहुत बातें समझ में नहीं आती कि इसका समाधान क्या किया जाए। मीडिया में उठा देने से क्या कोई नौकरी मिल जाती है, या फिर जो किराए की समस्या है छात्रों की वो दूर हो पाती है? वो दूर होती हुई नज़र नहीं आ रही। ऐसी बात नहीं है कि लोगों ने लिखा नहीं और उठाया नहीं, हम फिर भी कह रहे हैं कि जो किराया देकर जो छात्र दिल्ली में रह रहे हैं 10,000-12,000, अगर उनके परिवार के लोगों की नौकरियां गई हैं, सैलरियां कम हो गई हैं, तो उनके पढ़ाई, उनके मनोदशा पर बहुत ही बुरा इस वक्त पड़ रहा है। तो किसी के बारे में कोई बहुत ज़्यादा नकारात्मक या बुरी बात ना कहें, सरकार के आप आलोचना ज़रूर करते रहिए, लेकिन किसी व्यक्ति के बारे में ठेस पहुँचाने से पहले सोच लीजिए कि वो इन दिनों किन आर्थिक हालात में होगा। हम एक ब्रेक लेंगे। आपने दिखाया कि किस तरह से सूरत का वो वीडियो था कि वहाँ से 15 लाख लोग चले गए हैं, सोचिए कि उसके मोहल्ले कितने सूने हो गए होंगे, और यूपी में ही 27 लोग बाहर से आए हैं, तो सोचिए वहाँ पर किस तरह की मारामारी मच रही होगी। गांव में मनरेगा का काम कर रहे हैं लोग, जो 20,000 कमा रहे थे जो 6,000 कमा पा रहे हैं, तो ये स्थिति में हम पहुँच गए हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर इस तरह के अगर हम बुनियादी मुद्दों को छोड़ देंगे तो बड़ा नुकसान होगा। लेकिन एक बार हमें आपकी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम भी संसाधनों की कमियों से जूझते हैं, तो इसीलिए हमने वो वीडियो बनाया जिसको हम फिर से दिखाकर ब्रेक में जाएंगे, लौटेंगे तो रेलवे ने अजीब से सफाई दी है, और उस सफाई में क्या सफाई है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन किस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड करें ये हम एक बार फिर से दिखाना चाहते हैं, उसके बाद हम ब्रेक से लौट कर आएंगे। आपके मोबाइल वीडियो हमको रोज मिलते हैं, लेकिन उनमें से कई वीडियो अहम होने के बाद भी हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उनको सही ढंग से शूट नहीं किया गया होता है। अगर आप अपने मोबाइल को इस तरह से रखते हैं तो जो वीडियो बनता है वो इस तरह का दिखता है,
लेकिन अगर आप अपने मोबाइल को इस तरह से रखकर शूट करेंगे, यानी लैंडस्केप मोड में रखकर शूट करेंगे, तो वीडियो इस तरह से बनेगा, स्क्रीन भरी हुई दिखेगी आपके वीडियो से। तो सही खबर को सही तरीके से शूट करें। तो आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। ये बताना बहुत ज़रूरी है और मैं काफ़ी समय ले रहा हूँ कि आप दर्शक हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन भी हैं एक तरह से, और आप लोगों के शूट किए हुए वीडियो मिलते हैं, कई बार वो सही तरीके से शूट नहीं किए होते हैं और हम इस्तेमाल नहीं कर पाते तो आपको निराशा होती है। वैसे भी हम सभी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन तकनीकी कारणों से इस्तेमाल ना कर पाएँ तो दुख होता है। तो इसलिए हमने ये छोटा सा वीडियो बनाया कि आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि मुझ तक अगर कोई वीडियो भेजनी हो तो कैसे रिकॉर्डिंग करनी है। आपके मोबाइल वीडियो हमको रोज मिलते हैं, लेकिन उनमें से कई वीडियो अहम होने के बाद भी हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उनको सही ढंग से शूट नहीं किया गया होता है। अगर आप अपने मोबाइल को इस तरह से रखते हैं तो जो वीडियो बनता है वो इस तरह का दिखता है। लेकिन अगर आप अपने मोबाइल को इस तरह से रखकर शूट करेंगे, यानी लैंडस्केप मोड में रखकर शूट करेंगे, तो वीडियो इस तरह से बनेगा, स्क्रीन भरी हुई दिखेगी आपके वीडियो से। तो सही खबर को सही तरीके से शूट करें। तो हम बार बार इसे दिखाते रहेंगे, आगे के कार्यक्रम में भी हमारे साथ परिमल हैं। परिमल, ये बताइए कि 3,840 श्रमिक विशेष चली हैं और रेलवे बोर्ड ने बोला कि 3,836 ट्रेनों ने 72 घंटे से कम का वक्त लिया। ये क्या डेटा देने का तरीका हुआ? क्या रेलवे बोर्ड को ये नहीं बताना चाहिए था कि इन ट्रेनों को 24 घंटे में पहुंचना था तो 40 घंटे में पहुंची हैं? अब आप एक आउटर लिमिट बता रहे हैं कि 72 घंटे से कम लिया, तो हमें मालूम नहीं कि कितनी ट्रेनें इसमें से, जो 3,836 ट्रेनें हैं जो 72 घंटे से कम में पहुंची हैं, उनमें से कितनी 60 घंटे में पहुंची हैं, कितनी 65 घंटे में पहुंची हैं। तो ये जो सफाई दी गई है, इसमें सफाई है या कुछ साफ सुथरी बात भी है इसमें? देखिए, दरअसल कोशिश रेलवे ने की है कि जिस तरीके के सवाल उठ रहे थे उस पर जवाब दिया जाए, लेकिन कई सवाल अनसुलझे भी रहे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। ये जहां तक इनके घंटों में पहुंचने का सवाल है, पहले भी हमने बताया है कि स्पेशल ट्रेन को लेकर हमेशा नाम से स्पेशल ट्रेनें ये ज़रूर होती हैं, लेकिन इनके समय पहुंचने का रिकॉर्ड जो है पुराने समय से ही बहुत ख़राब रहा है। अब जाकर ये सवाल जब उठने शुरू हुए कि बहुत देरी से ट्रेन चली, तो रेलवे ने सोचा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दी जाए ताकि अपनी बात को रखी जाए। कुछ हद तक कामयाबी मिली उनको, कुछ चीज़ें थी जो शंकाएँ दूर हुई, लेकिन कुछ सवाल अनसुलझे भी रह गए। जैसे मौत के आंकड़ों को लेकर जो सवाल हमने पूछा, उस पर कोई साफ सफाई तरीके से कुछ कहा नहीं गया, क्योंकि रेलवे के पास ये आंकड़ा जरूर होगा, लेकिन उन्होंने दलील दी कि जीआरपी और स्टेट का मामला है, उसमें कैसे मौत हुई है, कितनी मौत हुई है, उसको कंपाइल कर रहे हैं, लेकिन अब तक जितनी मौतें हुई हैं वो कम से कम रेलवे बता सकती थी। और बहुत सारे लोग थे जो इस सवाल को लेकर यहाँ पर पहुँचे थे और जिसको पूछने की कोशिश भी की गई, लेकिन उस पर साफ साफ जवाब नहीं मिला। लेकिन रेलवे ने कुछ चीज़ें साफ भी यहाँ पर की है, कंजेशन को लेकर साफ किया, कितनी ट्रेनों को लेकर, फ्रीक्वेंसी को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की कि आखिर ये दिक्कत क्यों आई। दरअसल रेलवे
श्रमिक ट्रेन जब से चलाना शुरू परिमल मुझे एक सवाल है कंजेशन के बाद पे परिमल मेरा एक सवाल है एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए आम दिनों में रेलवे 6,000 से अधिक गाड़ियां चलाती हैं, यहां 27 दिनों में कोई 4,000 ट्रेनें भी नहीं चली हैं, तो ये कंजेशन की बात कहां से आ रही है? और छपरा से अगर आप रूट डाइवर्ट करते हैं, उसको जाना समस्तीपुर है, तो क्या उस रूट पे भी कंजेशन है जो छोटे छोटे जिला टू जिला जाना था, जहां पर बिहार के भीतर भी ट्रेनें 30-30 घंटे ली हैं, क्या वहां भी कंजेशन है? पटना से समस्तीपुर जाने में इतनी ट्रेनें चल रही हैं। देखिए यहां पर एक चीज जरूर यहां पर कहा गया कि 20 से 24 मई के बीच में बिहार और यूपी के बीच में 90% ट्रेनें चली हैं, और ये जो भी शिकायत आई है वो वहीं से आई है। इनकी दलील ये सीधे तौर पर इस बात को लेकर थी, ये बात सच है कि 6,000 ट्रेनें चलती हैं मेल एक्सप्रेस के तौर पे और कुछ पैसेंजर ट्रेनों के तौर पे, और करीब 70,000 का उसका नेटवर्क है, 70,000 किलोमीटर का नेटवर्क है। लेकिन ये समस्या जो बताई गई है वो 1,000 से 1,200 किलोमीटर के बीच में बताई गई है। एक हवाला ये भी दिया गया कि समय को ध्यान में रखते हुए 10 घंटे के बीच में ही ये ट्रेन ऑपरेशनल हुई है, जो 2 बजे दिन से लेकर रात के 12 बजे तक, ताकि यात्रियों को पहुंचने में दिक्कत ना हो। तो हमारे पास बहुत कुछ बचता नहीं है रवीश जी यहां पर कहने के लिए, क्योंकि रेलवे वो पूरे मैकेनिज्म को वही संभालती है, आंकड़े उन्हीं के पास होते हैं, लेकिन वो तकलीफ हम तक जरूर आती है जिस तकलीफ को यात्रियों ने भोगा है, और वही तकलीफ के दम पर हम कम से कम सच्चाई दिखा पाते हैं, बता पाते हैं कि किस तरीके की यातनाएं उनको सहनी पड़ी, किस तरीके की यातनाएं उनको झेलनी पड़ी, कितना वक्त उनका गया। क्योंकि अगर सिर्फ हम मंत्रालय के भरोसे रहेंगे तो शायद वो सच्चाई जी अभी वृंदा ने रेलवे की रिपोर्ट का अध्ययन करके भेजा है कि रेलवे 2018-19 में कह रही है 12 लाख मील रोज देती है, यानी एक हफ्ते में रेलवे 84 लाख मील दे सकती है। ठीक है, यहाँ रेलवे कह रही है 1 मई से 27 मई के बीच 84 लाख मील दी गई। चलिए मान लेते हैं कि उसकी कैटरिंग सर्विसेज बंद है इस वक्त, लेकिन क्या वो पर्याप्त है? अगर आप देखें कि 12 लाख के हिसाब से अगर आप डेली दे रहे हैं तो 27 दिनों में 3,24,00,000 मील दे सकते थे पैकेट, लेकिन आपने 84 लाख पैकेट ही दिए, तो इतना कम का अंतर है। और एक जवाब है कि हम जितना खिला सकते थे उतना ही खिलाए, इससे कोई जवाब मिल नहीं रहा है। और अभी भी जो गाड़ियां गई हैं, आप एक ओवरऑल डेटा दे देते हैं कि चार लगता है कि ठीक है, आपने एक तरह से प्रेस में जो बातें उठ रही थीं उसको स्वीकार कर लिया अपना पक्ष रखते हुए कि हाँ ट्रेनें चल रही हैं, कंजेशन के कारण चल रही हैं, पर ये मजदूर को नहीं बताया गया कि उसकी ट्रेन अब दिल्ली से जाना पटना पहुंचना था तो झारखंड जाएगी और यहाँ वहाँ से घूमते हुए आएगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक तो देरी की जो बात है तो उसमें किसी प्रकार की स्पष्टता अभी भी नजर नहीं आ रही है। यहाँ एक स्क्रीन पर डेटा चल रहा है कि 500 ट्रेनें औसत से ज़्यादा स्पीड पर चल रही थीं, तो बाकी क्या 4,000 अगर मान लें राउंड फिगर, तो 3,500 ट्रेनें औसत से कम स्पीड पर चल रही थीं। तो जो खाना का डेटा है, स्पीड का डेटा है, बहुत स्पष्ट उत्तर मिल नहीं रहा है परिमल। नहीं, यहाँ पे एक चीज साफ करना बहुत जरूरी है, इन्होंने 3,500 ट्रेन की बात कही है कि जो एवरेज स्पीड से, जो मेल एक्सप्रेस की स्पीड होती है उससे ज्यादा स्पीड से गई है। दूसरे नंबर चीज ये कि खाने के जहां तक सवाल है तो जवाब में तो नहीं दिया, लेकिन जो पीपीटी प्रेजेंटेशन के तौर पे था उसमें ये चीज जरूर बताया गया कि कॉन्ट्रैक्टर को लेकर उस तरीके की स्थिति अभी फिलहाल नहीं है और ये बहुत विकट वक्त है, इसकी दलील यहाँ पर दी गई। जैसे हो सकता है वैसे चीजों को अरेंज किया गया, जो ऑरिजिनेटिंग प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पे राज्य सरकार खाना देती है, जो इन रूट होता है, ट्रेन के भीतर हम नहीं दे सकते लेकिन स्टेशन पे जो इन रूट स्टेशन आता है वहाँ पर रेलवे खाना मुहैया करवा रही है। लेकिन यहाँ पे सारे दावे और सारे दलीलें वहाँ पर दम तोड़ देती है रवीश जी, जब मजदूरों की आप तकलीफ सुनेंगे, उनकी व्यथा सुनेंगे, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी होती है जब आप सर्विस दे रहे हैं तो सर्विस प्रोवाइडर को ये बताना बहुत जरूरी है कि आपकी ट्रेन कितनी देर में पहुंचेगी और कहां कहां से गुजरेगी, कहां पे उनको पानी मिलेगा, कहां पे उनको खाना मिलेगा, क्योंकि आप भूखे प्यासे ऐसे नहीं रह सकते। लेकिन रेलवे ने एक चीज को जरूर यहां पे माना कि मौत हुई है यहां पर ट्रेनों में, स्टेशन पे भी मौत हुई है, ट्रेन के भीतर भी मौत हुई है, लेकिन कितनी मौत हुई है इसको लेकर आकलन का दौर चल रहा है, वजह क्या रही इसको लेकर राज्य सरकार और जीआरपी इन्वेस्टिगेट करके बताएगी, हम बताएंगे जरूर। लेकिन एक चीज यहां पे माना जाना चाहिए जी, एक सुधार करना चाहता हूं कि वो 500 ट्रेन नहीं 3,500 ट्रेनें औसत से ज्यादा स्पीड पर गई हैं। अब आप एक तरफ कह रहे हैं कि कंजेशन है, फिर आप कह रहे हैं कि ज्यादातर ट्रेनें आपकी 4,000 में से 3,500
ट्रेनें जो हैं वो औसत से ज़्यादा स्पीड पर गई हैं। फिर ये आप कह रहे हैं कि 72 ट्रेनें जो 72 घंटे से कम लेट हुई हैं, तीनों बातों से कुछ स्पष्टता नज़र नहीं आ रही है परिमल। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और कही गई, स्पष्ट बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई, हालांकि इन्होंने कोशिश यही की थी कि जितनी भी शंकाएं मन में हैं, जितने भी सवाल उठ रहे हैं, उनका जवाब जरूर दिया जाए। और यही बड़ी वजह थी कि यहाँ पर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। 71 ट्रेनें डाइवर्ट हुई हैं 20 से 24 मई के बीच में, और ये तमाम ट्रेनें बिहार और यूपी के लिए थी जिनको डाइवर्ट किया गया, तो देरी उसमें हुई होगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। चार ट्रेनों को लेकर इन्होंने बताया कि 3 दिन से ज्यादा का वक्त लगा, लेकिन कितना अधिकतम वक्त लगा ये नहीं बताया। लेकिन एक दलील जरूर दी कि नॉर्थ ईस्ट के इलाके में लैंडस्लाइड हो गया था जिसकी वजह से वहां पर दिक्कत आई, लेकिन खाने पीने का इंतजाम हमने किया। तो तमाम चीजें एक तरीके से उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश थी जो इतने दिनों से मीडिया में ये सवाल उठ रहा था और जगह जगह सवाल उठ रहा था। एक चीज और यहाँ पे कहा गया कि रेलवे एक मैकेनिज्म के तहत चलती है जिसमें ट्रेनों का भटकना मुमकिन नहीं है, तो ये गलत समाचार है। लेकिन जो मुसाफिर बताएंगे, जो पैसेंजर बताएंगे, जिन्होंने उस दौरान उन चीजों को देखा है, समझा है और बताया है, वो भुक्तभोगी हैं, विक्टिम हैं। फर्स्ट अकाउंट उन्हीं का माना जाना चाहिए और उन्हीं को मानकर हम आधार के तौर पर स्टोरी इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि मंत्रालय से वो चीजें निकलकर सीधे तौर पर नहीं आती आपके सामने में, तो आपके पास विकल्प वही बचता है। बहुत बहुत जिन लोगों ने उसको उस दौर को जिया या भोगा है वो कम से कम बताए और उसके हवाले से हम कम से कम सच्चाई लोगों तक पहुंचा पाए। परिमल की ये बात में बहुत दम है कि रेलवे ने जो आज चार्ट पेश किया है रेलवे बोर्ड में और लोगों ने जो अपनी तकलीफें बयां की हैं, दोनों में बहुत अंतर है। काफ़ी सैनिटाइज करके चार्ट पेश किया गया है और ये 72 घंटे से ज़्यादा लेट चली हैं, 72 घंटे से कम चली हैं, ये 72 का लैंडमार्क क्या है आप बता दीजिए। जब चार ही ट्रेन 72 से ज़्यादा चली हैं तो बता दीजिए कि एक ट्रेन 80 घंटे लेट पहुंची है, एक घंटे 90 लेट पहुंची है, वही क्यों 90 घंटे लेट हुई अगर इतना कंजेशन था। उस कंजेशन पीरियड के दौरान बाकी ट्रेनें क्या इतनी ही देर हुई। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन आंकड़ों की जो सफाईगिरी होती है उसमें हर चीज़ पकड़ना इतना आसान सबके लिए नहीं होता है। एक चूक हो जाएगी तो उसको लेके वीडियो बना के घुमाते रहेंगे, लेकिन आप वीडियो कैसे बनाएंगे इसे आप देखिए। आपके मोबाइल वीडियो हमको रोज मिलते हैं, लेकिन उनमें से कई वीडियो अहम होने के बाद भी हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उनको सही ढंग से शूट नहीं किया गया होता है। अगर आप अपने मोबाइल को इस तरह से रखते हैं तो जो वीडियो बनता है वो इस तरह का दिखता है, लेकिन अगर आप अपने मोबाइल को इस तरह से रखकर शूट करेंगे, यानी लैंडस्केप मोड में रखकर शूट करेंगे, तो वीडियो इस तरह से बनेगा, स्क्रीन भरी हुई दिखेगी आपके वीडियो से। तो सही खबर को सही तरीके से शूट करें। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। इस तालाबंदी के दौर में हमने समाज की बहुत अच्छाइयां भी देखी हैं। ज़रूर सरकारों पर बहुत असर नहीं पड़ा, वो अपने आंकड़ों से लोगों की ज़िंदगी में जो दर्द आया है उसे झुठलाते रहे या फिर उनको एक कृत्रिम आंकड़े में बदलते रहे सरकारें और सरकार भी, लेकिन आम लोगों में एक ऐसा तबका ज़रूर है जो बहुत विचलित हुआ। मैं ऐसे कई नौजवानों को जानता हूं, बुज़ुर्गों को जानता हूं, जिन्होंने कई दिनों से कुछ भी नहीं लिखा था मगर मज़दूरों की पीड़ा उनसे देखी नहीं गई और उन्होंने कविताएं लिखी, नज़्म लिखे। और बहुत से आम लोग घरों से निकलकर लोगों की मदद करने के लिए गए, अपनी गाड़ी में खाना रख कर गए लोगों को खिलाने के लिए। इस समाज का ये जो रूप है बड़ा ही शानदार निकल कर आया इस त्रासदी के वक्त में। जो मजदूरों की ज़िंदगी पर बीती है वो सरकार के जवाबों से आपको कभी भी सही तरीके से नहीं दिखेगी, उसके लिए आपको इन्हीं कवियों और उनकी कविताओं में जाकर देखना होगा कि उन्होंने उनकी ज़िंदगी को किस तरह से ठहर कर देखा है। अब मुलाकात आपसे सोमवार को होगी, लेकिन जाते जाते गुलजार साहब की इस नज़्म को आपके लिए छोड़ जा रहा हूँ। देखिए और महसूस कीजिए कि ये हमारे अतीत हैं, हम ऐसे ही तबके से आए थे और 20-25 सालों की 2000 के बाद की ज़िंदगी में बेहतरी करते करते बहुत लोगों ने अपार्टमेंट के घरों को फिल इन द ब्लैंक्स किया था जिसकी ईएमआई अब नहीं दे पा रहे हैं। आ,
कुछ ऐसे कारवां देखे हैं 47 में भी मैंने, कुछ ऐसे कारवां देखे हैं 47 में भी मैंने, ये गांव भाग रहे हैं अपने वतन में, हम अपने गांव से भागे थे जब निकले थे वतन को, हमें शरणार्थी कह के वतन ने रख लिया था, शरण दी थी, इन्हें इनकी रियासत की हदों पर रोक देते हैं, शरण देने में खतरा है, हमारे आगे पीछे तब भी एक कातिल अजल थी, हमारे आगे पीछे तब भी एक कातिल अजल थी, मजहब पूछती थी, हमारे आगे पीछे अब भी एक कातिल अजल है, न मजहब नाम जात कुछ पूछती है, मार देती है। खुदा जाने ये बंटवारा बड़ा है या वो बंटवारा बड़ा था।